वीडियो चल रहा है? देखना बच्चे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अनलिस्टेड तो नहीं है? नहीं दिख रहा है। दूसरे बच्चे भी मैसेज कर रहे हैं, उनको भी नहीं दिख रहा है। कुछ और ओपन की वजह से तो नहीं है? ओपन तो कुछ भी नहीं है। इनको क्लोज कर दें। ये अपडेट ऐसा कुछ है क्या OBS को बराबर? ओके सो एवरीवन कैन सी मी? ठीक है, ओके थैंक्स ऋषि, मैं क्लोज कर रही हूँ। ओके एवरीवन, सो आई होप एवरी, I still cannot see the video, so I'm like, okay, now I am able to see. So I'm going to start the lecture now, okay? So we'll start with the nuisance. Okay, so let's start with the chapter of nuisance, okay? We'll be completing the chapter of nuisance. It's a very interesting topic and it's a general issue, which is, you know, which is relevant normal day-to-day life things. So we are going to discuss nuisance related to the same. Harsh, before I start, Harsh want to know about Sabarimala case. What was the final decision? Sabarimala case mein, Harsh, what happened was that the court has allowed women to enter, but uske baad jo review petition hai, jisme sab sari bahut sari females related, women related issues gather kar liye gaye hain, usme कोर्ट जो है आगे सेवन जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूशन में बनी है, सुप्रीम कोर्ट में बनी है, वो सारे विमेन रिलेटेड इश्यूज हैं, नॉट ओनली सबरीमाला, अदर जो दूसरे भी बहुत सारे विमेन रिलेटेड इश्यूज हैं, उन सब की सुनवाई एक साथ की जाएगी। जितने भी ऐसे पेंडिंग मैटर्स हैं कोर्ट के, उन सब की एक साथ सुनवाई की जाएगी। तो उसमें इन अ वे इट इज स्टिल पेंडिंग मैटर, बट द कोर्ट हैज सेड टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ दैट अपील फॉर द सेवन जज बेंच डज नॉट कम, the women are still allowed to enter into Sabarimala. Okay, Harsh, so let's continue the nuisance part. So what is nuisance? Now what happens in nuisance is, जैसे आप लोग यहाँ पे जो है फालतू बात करने लग जाते हैं, एक दूसरे से ही बात कर रहे हैं, और कहाँ से, और वहाँ मौसम कैसा है, तेरी पढ़ाई कितनी चल रही है, कितना नंबर आ रहे हैं, this, all of this, what you are doing is, you are interfering in someone's right. Just I have a right to be able to teach, so I have a right to be able to read proper comments related to exam. So when you put in these extra comments in between, you are interfering in my right to be able to take those relevant questions. Okay, so whenever, in simple terms, अगर आपके पैराग्राफ आता है क्लैट के पेपर में न्यूसेंस में, तो सिंपल टर्म्स में न्यूसेंस होता है इंटरफेरेंस इन समवन्स राइट। आप किसी के हक में, किसी के लीगल राइट में जब इंटरफेरेंस करते हो, अच्छा इंटरफेरेंस भी अनरीजनेबल होना चाहिए, दैट इज एसेंशियल, इट हैज टू बी अनरीजनेबल इंटरफेरेंस, राइट? सो इफ इट इज अ रीजनेबल इंटरफेरेंस, इट इज नॉट न्यूसेंस। अगर आप किसी के भी राइट में अनरीजनेबल इंटरफेरेंस करते हैं, देन इन दैट केस इट अमाउंट्स टू न्यूसेंस। ओके,
unreasonable interference in someone's right, that will make it a case of nuisance. तो कोई भी person के legal right में, अच्छा unreasonable का example आप सोचिए, जैसे for example आप अपने friend को pick करते हैं, इसके लिए उसके घर के बाहर जाके एक दो बार उसे आवाज लगाते हैं, एक दो बार bell बजाते हैं, ये तो reasonable है. घर में, उसके घर में कोई सो रहा है, उनको डिस्टरबेंस होता है, तो दैट इज स्टिल रीजनेबल. लेकिन यू नो सम पीपल हैव दिस टेंडेंसी, वो उस बेल पे ही चिपक जाएंगे एंड दे कीप ऑन रिंगिंग द बेल ऑल द टाइम, दे विल बी लाइक कीप ऑन रिंगिंग द बेल. सो दैट इज अनरीजनेबल. लगातार 5, 10, 15, 20 मिनट जब तक कि कोई नहीं आ रहा है, आप लगातार बेल बजाए जा रहे हो, लगातार जोर जोर से चिल्लाए जा रहे हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैरिजेस हैं, देखो अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा अनरीजनेबल बहुत बार क्या होता है. लॉ डिसाइड करता है व्हाट इज अनरीजनेबल, बिकॉज वी हैव टेंडेंसी टू थिंक, वी हैव आर ओन अंडरस्टैंड. अभी तक देखो टॉट हमने जो डिस्कस किया है उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वी हैव आर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉ हैज अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोस सर्टेन थिंग्स, राइट. तो टॉट में भी, न्यूसेंस में भी अनरीजनेबल एक्ट क्या होता है, दैट इज समथिंग विच इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन बाई डिफरेंट पीपल बट नॉट बाई लॉ. लॉ हैज अ रेलिवेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरीथिंग. लॉ के हिसाब से हर चीज का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन है और उसी हिसाब से अनरीजनेबल एक्ट होता है. तो अनरीजनेबल एक्ट के एग्जाम्पल क्या हो गया, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है तो अनरीजनेबल एक्ट है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है तो अनरीजनेबल एक्ट है, बहुत ज्यादा अगर कोई यू नो शाउट कर रहा है या परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, नॉय कर रहा है, तो वो अनरीजनेबल एक्ट हो जाएगा. तो बहुत ज्यादा स्मेल है किसी चीज की तो अनरीजनेबल हो जाएगा, बहुत ज्यादा अगर पोल्यूशन है तो अनरीजनेबल हो जाएगा. तो बहुत सारी चीजें होती है जो थोड़े बहुत अमाउंट में होती है तो वो रीजनेबल होती है, पर एग्जाजरेटेड अमाउंट में जैसे ही की जाती है दे बिकम अनरीजनेबल, राइट, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अनरीजनेबल इंटरफेरेंस. लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे आपके नॉर्मल क्वेश्चन आता है अनरीजनेबल इंटरफेरेंस इन समवन्स राइट इज न्यूसेंस. ए जो है दिन में 3 बजे उसके घर में शादी है, इसलिए बहुत तेज गाने बज रहे हैं. सो विल इट अमाउंट टू न्यूसेंस, विल इट अमाउंट टू न्यूसेंस और नॉट? यस, तेज गाने इज नॉट रीजनेबल, इट इज अनरीजनेबल. अब आपका ऑब्वियस क्वेश्चन बनता है, मैम तो फिर तो रोज होता है ना ऐसा, ऐसा तो सब जगह होता ही है, मस्जिद पे लगे हैं स्पीकर या टेम्पल्स पे, टेम्पल में लगे हैं या चर्च है, तो यहाँ पे तो रोज हो रहा है. तो रोज जब हो रहा है उसके लिए डिफेंस, प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा सारे लॉज एक साथ लगते हैं, हमको सारे लॉज एक साथ नहीं लगाने, हमको वही लॉज लगाने हैं जो प्रिंसिपल में मेंशनड है, राइट. तो प्रिंसिपल में मेंशनड होना चाहिए कि ये डिफेंस है, ये एक तरह का डिफेंस होता है. स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज अ डिफेंस, अगर गवर्नमेंट परमिशन देती है तो वो डिफेंस है. जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने पड़ोसी के घर के आगे जो है कचरे का डब्बा लगा दो और कहोगे भी पूरी गली वाले उसी में कचरा डालेंगे, तो इज इट अनरीजनेबल इंटरफेरेंस इन योर नेबर्स राइट, क्योंकि वहां पे कचरा इकट्ठा होगा, उसकी स्मेल होगी, उसका ऑडर होगा, उसकी वजह से इंसेक्ट्स होंगे या यू नो पोल्यूशन होगा. तो आपका कोई लीगल राइट नहीं हो कचरे का डब्बा वहां लगाने का. लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ऐसा करती है तो वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी डिफेंस होता है. हम आगे पढ़ेंगे न्यूसेंस में वैलिड डिफेंसेस भी होते हैं, इनवैलिड डिफेंसेस भी होते हैं. तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी वैलिड डिफेंस में आता है, वो एक अलग चीज है. तो एग्जाम में जब तक ये डिफेंस नहीं दिए जाए, ये मैंने पहले भी आपको कहा, एग्जाम में हर चीज तभी अप्लाई करनी है जब प्रिंसिपल में या पैराग्राफ में मेंशनड होनी चाहिए. तो अगर कोई तेज शोर चला रहा है, स्पीकर पर अनाउंसमेंट कर रहा है या बहुत ज्यादा शाउट हो रहे हैं या कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस, जैसे बेल लगातार बजा रहे हैं, कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस हो रही है, बहुत ज्यादा स्मेल हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी घर में खाना जल गया तो थोड़ा बहुत एक टाइम का कोई सब्जी जल गई तो वो जो स्मेल होगी वो इतनी ज्यादा यूज नहीं होगी. लेकिन रेस्टोरेंट है और वहां पे जिस अमाउंट में खाना बनता है तो जल भी नहीं रहा, उसकी जो स्मेल है, जो हीट जनरेटेड है वो बहुत ज्यादा है, तो वो एक्ट जो है ना, लार्जर अमाउंट में कोई चीज होती है तो वो न्यूसेंस हो जाता है. जैसे ही कोई एक्ट लार्जर अमाउंट में होगा वो न्यूसेंस हो जाएगा. इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ काउ से रिलेटेड, अगर यू नो काउ शेड, बहुत सारी काउस का शेड वगैरह, इवन इफ नॉर्मल कॉलोनी में है तो उससे जो स्मेल होगी वो अनरीजनेबल चीज में आएगी. ओके, गन शूटिंग चल रही है रेजिडेंशियल लोकेलिटी में या ऐसी जगह पे तो वो that will come under unreasonable act. So unreasonable act जो होता है, unreasonable act जो है, that is something which is done in an exaggerated way, right? Everyone can listen to me, right? I'm not able to see the doubts or any questions. So everyone is able to hear me, right? Yes.
ओके यस एवरीवन इज एबल टू. ओके सो इन केस अगर कोई भी पर्सन ऐसा एक्ट करता है जो अनरीजनेबल है देन इन दैट केस इट विल अमाउंट टू न्यूसेंस. अब न्यूसेंस देखो दो तरह के होते हैं. न्यूसेंस होता है एक तो पब्लिक न्यूसेंस एक होता है प्राइवेट न्यूसेंस. पब्लिक न्यूसेंस एक तरह का क्राइम है. जस्ट ओके पीपल आर नॉट एबल टू राइट इन चैट बॉक्स दैट्स मैसेज आई ओके 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 गॉट योर पॉइंट. सो पीपल आर नॉट एबल टू चैट जस्ट अ मिनट. नो पीपल नाउ आर एबल टू सम पीपल आर एबल टू चैट. देयर इज एन ऑप्शन ऑफ ओके समबडी मैसेज मी कि क्लिक ऑन द लाइव चैट ऑप्शन. हाउ डू आई एक्सप्लेन दैट. I hope you people are, those of you who want to know ki live chat ka option kaise click karna hai, I'll just show you in this. This is the video I'm using and in this video, I guess, somewhere you have this option here. It is written no live chat. I hope you are able to see. You click on that, you'll see the messages. Itni to chat kar liya, theek baat hai Lokesh, but I just want to see that, you know, if people are able to ask any. So it comes under defense. And yes, okay, everyone. So in case of nuisance, there is public nuisance and private nuisance. Public nuisance क्या हुआ? Crime में आता है. Public nuisance come under criminal law. अगर आप public at large के right में interference करते हैं, तो जैसे for example आप पड़ोसी के घर के बाहर एक बड़ा सा खड्डा खोद दो, तो ये तो हुआ private nuisance क्योंकि सिर्फ उसको दिक्कत हुई. लेकिन आप सड़क के बीच में खड्डा खोद दो, तो public at large को दिक्कत होगी. तो जब जिस काम से पब्लिक एट लार्ज को दिक्कत होती है वो होता है पब्लिक न्यूसेंस, और जिस काम से इंडिविजुअल राइट में इंटरफेरेंस होता है वो होता है प्राइवेट न्यूसेंस. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन बीच में सड़क के बीचों बीच ट्रैफिक जाम करके बैठ गया है, या बहुत ज्यादा मैम आर्टिकल 30 राहुल व्हाट इज आर्टिकल 30 रिलीजन रिलेटेड, वो अलग चीजें हैं बेटा, वो एक्स प्रिंसिपल में आना चाहिए. अभी वी आर टॉकिंग अबाउट अनरीजनेबल एक्ट. तो लाउड नॉइज अनरीजनेबल एक्ट में आएगी, राइट. सड़क रोकना अनरीजनेबल एक्ट में आएगा. तो अगर किसी ने किसी का लीगल राइट बीच में वायलेट किया है तो दैट विल बी अ केस ऑफ न्यूसेंस. ओके पब्लिक न्यूसेंस, और उसमें क्राइम होगा. क्राइम में कंपनसेशन नहीं मिलता है. क्राइम के केस में द पर्सन हैज टू फाइल अ FIR और फिर पर्सन के खिलाफ पुलिस केस होगा, जेल होगी. पब्लिक न्यूसेंस में भी आप कंपनसेशन मांग सकते हो. कब मांग सकते हो? व्हेन अ पर्सन सफर्स स्पेसिफिक इंजरी. बट बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज के लिए गवर्नमेंट को स्यू कर सकते हैं क्या अंडर न्यूसेंस? नो बेटा, नो शिवानी, गवर्नमेंट थोड़ी कर रही है. पोल्यूशन कौन कर रहा है? बहुत ज्यादा गवर्नमेंट थोड़ी कर रही है, पीपल एट लार्ज आर डूइंग इट. तो इंडिविजुअल एक्ट देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने थोड़ा सा पानी बाहर गिराया, उससे कोई कीचड़ नहीं हुआ. एक्स ने गिराया, उससे भी नहीं हुआ. फिर 10 लोगों ने बाहर पानी गिराया जिससे कीचड़ हो गया और आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है. तो इन दैट केस ऑटोमेटिकली इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ No, will it come under the category of each individual have done it unreasonable? Will it come under category of unreasonable act of individuals? No. तो combined effect अगर हो रहा है तो कोई liable नहीं. Until unless सबका common intention था, सबकी common planning थी, तब तो वो एक act हो गया, तो वो joint tortfeasor हो गए, फिर तो आप किसी के एक को भी sue करो तो चलेगा. तो common planning होनी चाहिए. Okay? So in case अगर कोई भी पर्सन जो है अनरीजनेबल एक्ट करता है, मिलके एक साथ कोई एक्ट ऐसा इतना बड़ा एक्ट कर रहा है, तो वो न्यूसेंस में आएगा. तो गवर्नमेंट ने रोड जो है आपने रोक ली, या बीच में शादी में लोग सड़क के बीच में टेंट लगा रहे हैं, तो अनरीजनेबल एक्ट है. अनरीजनेबल एक्ट विल अमाउंट टू न्यूसेंस. एक्ट ऑफ गॉड, हु विल यू स्यू फॉर एक्ट ऑफ गॉड? नो वन. ठीक है, कोई किसी को स्यू थोड़ी कर सकते हैं. सो हाउ विल इट कम अंडर न्यूसेंस? इट्स नथिंग अनरीजनेबल. तो अर्थक्वेक अनरीजनेबल हो गया. मतलब अनरीजनेबल इज डिपेंड गॉड के हिसाब से तो हो सकता है रीजनेबल हो, इफ यू बिलीव इन गॉड देन. मैम इज समवन रिंग्स द डोरबेल टू एन अनरीजनेबल एक्सटेंट, हां सो इट विल बी न्यूसेंस. विल न्यूसेंस बी अ पर्सन एंड अदर्स हर्ड इट? सो इन दैट केस द पर्सन जो कंटीन्यूअसली बेल बजा रहा है उसके खिलाफ न्यूसेंस का केस होगा. Can anyone sue government for very bad condition of road? Yes, Devesh. Government can be sued. Ma'am, religious matter ke naam par DJ baja rahe hain, toh nuisance hai beta. Lokesh, that will also come under nuisance. Toh agar unreasonable kaam, coronavirus, if we can say, prove that China ki coronavirus kisne phailaya, us pe depend karta hai na.
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन रोड पे है, अब जो इन्वायरमेंट चल रहा है उसमें, या जो प्रोग्रेस चल रही है उसमें क्या हो रहा है कि भी आपको मास्क वगैरह लगा के ही रोड पे जाना है, तो आप बिना मास्क जाते हो तो आपका एक्ट अनरीजनेबल हो जाएगा, ठीक है? बिकॉज अब जो रीजनेबल, नया जो रीजनेबल आ गया है गवर्नमेंट रूल्स की वजह से, कि पब्लिक प्लेस पे आप हैं तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा, या बाहर कहीं है तो मास्क लगाना पड़ेगा, तो बिना मास्क, इवन इफ यू आर यू नो इन्फेक्टेड विद कोरोना और नॉट, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. देखो, न्यूसेंस में यू इंटरफेयर विद राइट. व्हाट काइंड ऑफ राइट? राइट टू लिव पीसफुली. किसी का राइट है सेफली, सिक्योरली, पीसफुली, शांति के साथ, अच्छे एनवायरनमेंट के साथ, यू नो, रहने का लीगल राइट होता है. तो अगर कोई पर्सन, हो सकता है अगले को कोरोना नहीं है पर अगला आपके आसपास घूम रहा है बिना मास्क घूम रहा है, तो इट क्रिएट्स अ थ्रेट इन द माइंड ऑफ पर्सन कि आई माइट गेट इन्फेक्टेड, राइट? इट्स नॉट नोन दैट द पर्सन इज इन्फेक्टेड और नॉट. कल को गवर्नमेंट जो है बहुत सारे टेस्ट कर ले, या जैसे बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज कर रही है एंटीबॉडीज टेस्ट, तो एंटीबॉडीज टेस्ट का मतलब हुआ उसको एक अलग से यू नो हैंड में पहनने को कुछ मिल रहा है, ताकि ये शो हो सके कि भाई ये पर्सन कोरोना वायरस इन्फेक्ट नहीं होगा, या एंटीबॉडी, इसके अंदर एंटीबॉडीज है. लेकिन फिर भी द पर्सन कुड बी स्टिल अ कैरियर, राइट? उसकी बॉडी तो फाइट कर लेगी कोरोना से, पर किसी और को उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है. तो इन दिस केस इट क्रिएट्स एन एप्रिहेंशन. तो राइट टू लिव पीसफुली डिस्टर्ब हो गया. आपको फिजिकली किसी के साथ इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है न्यूसेंस में. आप किसी के राइट टू लिव पीसफुली, राइट टू लिव हेल्दीली, राइट टू लिव इन अ यू नो लेस साउंड एनवायरनमेंट, राइट टू लिव विदाउट पोल्यूशन, इन राइट्स में इंटरफेयर करते हैं, वो भी अनरीजनेबल काम करके, तब न्यूसेंस होता है. ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. सो आई टेक योर डाउट्स इन अ वाइल. बिफोर दैट लेट मी कंप्लीट पब्लिक न्यूसेंस. पब्लिक न्यूसेंस में पब्लिक एट लार्ज का राइट वायलेट होता है. लेकिन अगर उस पब्लिक न्यूसेंस में से किसी एक इंडिविजुअल को स्पेशल इंजरी हुई, इफ अ पर्टिकुलर पर्सन सफर्ड स्पेशल इंजरी आउट ऑफ दोस, जैसे फॉर एग्जांपल ए ने सड़क के बीच में खड्डा खोदा, या शादी का टेंट लगा दिया, या फॉर एग्जांपल इतना तेज गाना बज रहा है कि पूरा आसपास के मोहल्लों में तेज से कांच हिल रहे हैं, दरवाजे हिल रहे हैं, तो सबको डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये पब्लिक न्यूसेंस में आ जाएगा. पब्लिक न्यूसेंस में कंपनसेशन किसको मिलेगा? जब कोई एक इंडिविजुअल ये प्रूव करे, या कुछ लोग, जैसे 1000 लोगों को इम्पैक्ट पड़ा तो 50, 60, 100 लोग ये प्रूव कर पा रहे हैं कि बाकी सबके कंपेयर में हमको स्पेशल इंजरी हुई. कैसे स्पेशल इंजरी हुई? जैसे सड़क के बीच में जो है गाड़ी आ गई या खड्डा आ गया, तो अब सबको दिक्कत हो रही है. लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर यू नो रास्ते में किसी का ट्रेन मिस हो गया, किसी का फ्लाइट मिस हो गया, किसी की बिजनेस डील में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का डिले हो गया, वो एक अलग चीज है. आपका क्लैट एग्जाम मिस हो गया, तो ये बहुत बड़ा डैमेज है. अगर किसी पर्सन को स्पेशल इंजरी, यू नो एम्बुलेंस है और जान चली गई किसी की, तो पब्लिक न्यूसेंस की वजह से अगर किसी इंडिविजुअल को स्पेशल इंजरी होती है तो उसको कंपनसेशन मिलता है, वरना पब्लिक न्यूसेंस क्राइम में आता है, उसके लिए कोई केस नहीं होगा. टॉर्ट में, क्रिमिनल लॉ में होगा, कंपनसेशन नहीं मिलेगा, जेल होगी, लेकिन टॉर्ट में कंपनसेशन मिलेगा अगर किसी को स्पेशल इंजरी होती है तो, वरना क्राइम में आता है. ओके, सो दैट इज पब्लिक न्यूसेंस. पब्लिक न्यूसेंस क्रिमिनल लॉ में आता है, उसमें किसी को सजा नहीं मिलती है, उसमें किसी को कंपनसेशन नहीं मिलता है, लेकिन अगर किसी को स्पेशल इंजरी हो तो इन दैट केस दैट पर्सन इज गोइंग टू गेट कंपनसेशन. ओके, स्पेशल इंजरी के केस में स्पेशल इंजरी प्रूव करनी पड़ेगी. ओके, नाउ आई विल जस्ट टेक सम डाउट्स. कोरोना वायरस, तो ये वाला मैंने देखा था, अनरीजनेबल. ओके, अनरीजनेबल मींस कोरोना वायरस अनरीजनेबल किसने किया बेटा? तो गवर्नमेंट इंडिविजुअल, अगर ये शो हो जाए कि चाइना गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट का होता, और वहां से ये वायरस लीक हो गया, तो वो अनरीजनेबल एक्ट है. तो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को या गवर्नमेंट को स्यू कर सकते हैं न्यूसेंस के लिए. पर अगर नेचुरली फैला है तो नहीं कर सकते, फिर तो उसमें अनरीजनेबल काम किया है. जैसे किसी ने बैट का खाया हुआ, केला खाया, दैट इज दी आई गेस स्टार्टिंग ऑफ सम रेफरेंस. तो अब वो यू नो किसी ने वो केला खाया और फिर उससे, तो केला खाना या कोई फ्रूट खाना इज नॉट अनरीजनेबल, राइट? तो इट हैज टू बी प्रूवन कि अनरीजनेबल था विद रिस्पेक्ट टू कोरोना वायरस. एक्सीडेंटल वाटर पाइप लीक हो जाता है तो क्या वो न्यूसेंस है? ये अगर आपकी प्रमाइसिस में से हो रहा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए था, तो आप ध्यान नहीं रख पाए, इसका मतलब अनरीजनेबल है ना, बहुत बड़े अमाउंट में होना चाहिए.
सहीन बाग वाला मैम वो भी तो पब्लिक न्यूसेंस है. यस इट विल कम अंडर पब्लिक न्यूसेंस अंटिल अनलेस स्टैट्यूटरी अथॉरिटी उसे परमिशन देती है. अगर गवर्नमेंट परमिशन है तो वो पब्लिक न्यूसेंस में नहीं आएगा. ये हम आगे डिफेंस में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है. डिफेंस में समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे काम जो एक्चुअल डे टू डे लाइफ में होते हैं लेकिन फिर भी न्यूसेंस का केस क्यों नहीं बनता है. सो दैट विल कम इन अ वाइल. हैव डिफरेंट वल्लभी अनरीजनेबल. अच्छा बिफोर दैट वैशाली मैम, अगर कोई अपने नेबर की बेल बार बार बजाए, हाँ ये हो गया बेटा, न्यूसेंस में आएगा वैशाली. वल्लभी कैन वर्ड अनरीजनेबल हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन फॉर न्यूसेंस. इट मीन्स समथिंग विच इज नॉट यूजुअल और नॉर्मल इन एन एग्जैजरेटेड फॉर्म. ओके ओके देन मैम क्या हम ओएमजी मूवी की तरह गॉड पर देखो इसीलिए एवरीवन प्लीज लिसन जस्ट अ मिनट गीत प्लीज डोंट डिस्टर्ब. सम रिलीजियस रैलीज आर गोइंग ऑन प्लेइंग लाउड म्यूजिक एंड द रोड इज आल्सो ब्लॉक्ड ड्यू टू सो मेनी ऑफ देम डांसिंग एंड मूविंग. यस रिलीजियस रैलीज और शादी में जो बारात निकल रही है पूरा सड़क जाम कर दिया है, किसी के गेट के आगे जाम कर दिया, तेज गाने बज रहे हैं. तो अनरीजनेबल डिपेंड करता है बहुत ज्यादा टाइम के लिए. जैसे 2-3 मिनट्स 5 मिनट्स का अगर इश्यू है तो वो अनरीजनेबल पर से में नहीं आ जाएगा, राइट. इट हैज टू बी फॉर लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन. तो आपके एग्जाम में लिखा हुआ आएगा काफी देर से, 2 hours 3 hours डेली समथिंग लाइक दैट. इन दैट केस इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अनरीजनेबल. ओके रिलीजियस मैम क्या हम सो गॉड को स्यू. बेटा देखो मूवीज से इंस्पायर नहीं हो रहा है. मूवीज में जो होता है वो रियल लाइफ में या रियल केसेस में नहीं होता है, ठीक है. बहुत बहुत जो रियल इवेंट्स पे बेस्ड मूवीज हैं वो भी बहुत एग्जैजरेटेड होती है. तो मूवीज इज अ टोटली डिफरेंट थिंग. गॉड को कैसे स्यू करोगे भाई, ऐसा नहीं होता है कि एजेंट को स्यू कर रहे जब तक कि वो नहीं कर रहे हैं. सो ऐसा नहीं होगा, ओ माई गॉड मूवी से नहीं होगा. हरकेश हर्षिता सम क्वेश्चन बट फॉर शादी की बारात. Yes, look, same thing. If it is for long duration, then. Otherwise, no. Ananya, ma'am can help us. Yes, I can, Harkesh. I'll deal with it. Ananya, just type your message again so that I know what you and Harkesh are confused about. Vaishnavi, ma'am, when there is raid in someone's house and the officers didn't find anything to arrest that guy, but they destroyed this house, then Vaishnavi statutory authority mein aayega. Ye unreasonable nahi hai. पता करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अगर घर वो तो करना ही पड़ेगा ना. इस शायद घर खराब हो जाएगा तो शायद चीजें मिल भी जाएगी ना, तो इसलिए शायद मिल भी जाए, नहीं भी मिले तो ये अनरीजनेबल में नहीं आएगा, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हो जाता है. कैन एनीवन गेट पनिशमेंट इन पब्लिक न्यूसेंस. यस देवेश, पब्लिक न्यूसेंस में पनिशमेंट ही मिलता है. पब्लिक न्यूसेंस में कंपनसेशन तब मिलता है जब किसी को स्पेशल इंजरी हो. नंदिनी मैम, इन केस इफ एक्स कार्स गेट पंचर्ड then it causes traffic jam. No, that is puncture ho gaya, that is not unreasonable. To usme usko gaadi side mein le jani padegi, lekin wo puncture ki gaadi wahi sadak ke beechon beech chhod ke rawana ho gaya, to that will amount to. Aisa nahi hai puncture ki gaadi hai to aap side mein road ke side mein nahi ja sakte, right. So that has to be taken in consideration. Act of God is a natural phenomenon. Yes, so उसमें कोई भी अनरीजनेबल नहीं होगा. संजय इज राइट, टेम्पल ट्रस्ट को स्यू कर सकते हैं. अगर देखो टेम्पल है, मस्जिद है, या शादी है, या कहीं पे भी तेज गाने बज रहे हैं, या तेज सा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब तो आप सब लोग अपने अपने घरों में हैं, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल हॉस्टल में बच्चे रहते हैं तो somehow यू नो आप अपने एक नॉर्मल बिहेवियर से अजीब बिहेव करते हैं कुछ लोग हॉस्टल में, कुछ नहीं काफी और ग्रुप में. सो दे स्टार्ट शाउटिंग, हॉस्टल के सारे बच्चे एक साथ चिल्ला रहे हैं रात को 2 बजे, तो वो न्यूसेंस है, राइट. दे ऑल ऑफ देम वुड बी सीन. ओके सो मैम, अगर म्युनिसिपैलिटी वालों ने किसी को रोड पे टेंट करने का ऑर्डर दिया, किसी को क्रॉस करने पे प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी मिलती है, गवर्नमेंट की परमिशन मिलती है, तो वो काम अनरीजनेबल रहता ही नहीं. ओके जब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं है तो ये सब चीजें अनरीजनेबल है. गवर्नमेंट परमिशन मिलने पे अनरीजनेबल चीज भी रीजनेबल बन जाती है. ओके ये डिफेंस है. यस अक्षत, दैट इज अनरीजनेबल. नेग्लिजेंस की थ्रू वजह से भी न्यूसेंस होगा तो यस केस फाइल होगा. नेग्लिजेंस का भी केस होगा, न्यूसेंस का भी केस होगा. कोर्ट ये नहीं कहता है कि नहीं नहीं देखो आपने एक चीज में केस फाइल कर लिया, आप दूसरी चीज में केस मत फाइल करना. अगर इनफैक्ट अगर आपने यू नो इफ यू हैव यू नो सीन लॉ केसेस ऑन न्यूज़पेपर, अगर आप रेगुलरली देखते हो तो उसमें केसेस कैसे होते हैं,
एक ही केस में धारा ये सेक्शन दिस ऑल्सो सेक्शन दिस ऑल्सो सेक्शन दिस, तो टॉर्ट या सिविल में भी होगा, नेग्लिजेंस का केस है तो नेग्लिजेंस भी लगेगा, उसकी वजह से न्यूसेंस हो गया तो न्यूसेंस का भी केस लगेगा। एक्ट इंटेंशनली होने की जरूरत नहीं है, न्यूसेंस में कोई इंटेंशन की जरूरत नहीं है। ओके ओके रिया, यू हैव अ डाउट रिलेटेड टू डिफेमेशन, आई विल टेक इट एट द एंड ऑफ द क्लास, रिमाइंड मी एट द एंड ऑफ द क्लास अगेन। ओके गवर्नमेंट रियली, यही तो कह रही हूँ, अगर गवर्नमेंट की परमिशन है तो न्यूसेंस नहीं होगा। ओके एवरीवन, इफ देयर इज गवर्नमेंट परमिशन देन इट इज नॉट न्यूसेंस, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में आता है, पर ये एक्सेप्शन एग्जाम में लिखा हुआ आना चाहिए बेटा। गवर्नमेंट परमिशन है तो इलीगल, वो अनलॉफुली अनरीजनेबल है ही नहीं। ओके अगर टेम्पल से रिलेटेड न्यूसेंस का केस टेम्पल ट्रस्ट के अगेंस्ट होगा ना, यस अनन्या। मैम अगर पैसेज में ट्रुथ के लिए एक्सेप्शन नहीं दिया, रिया आई विल टेक योर डाउट एट द एंड। ओके मैम अगर किसी ने हर्ड्स रोड पे, हाँ तो न्यूसेंस है शिवानी, अगर हर्ड्स को रोड पे आप लीव कर दिया है जिसके लोगों को आने और बहुत देर तक रोड जिससे हर्ड्स क्रॉस हो गए, तब तो देखो अनरीजनेबल इंटरफेरेंस कब होता है इसलिए आप समझो, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसलिए अनरीजनेबल हो जाती है क्योंकि आप उनको लार्ज अमाउंट में करते हो या उनको काफी लंबी देर तक करते हो। न्यूसेंस कनोट्स अ स्टेट ऑफ अफेयर, स्टेट ऑफ अफेयर का मतलब जो वो कंटिन्यूअसली होता है, तब कंटिन्यूअस इवेंट होना चाहिए तब वो न्यूसेंस आएगा। ओके देन इफ देयर इज एम्बुलेंस कैरिंग अ पेशेंट हु हैज मेड एन एक्सीडेंट इज सीरियस एंड द रोड इज ब्लॉक्ड फॉर द पैसेज ऑफ सम मिनिस्टर, तो देखो अगर गवर्नमेंट परमिशन है तो वो वैलिड होगा, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट अलग से स्पेशल कुछ कर सकती है पर न्यूसेंस में नहीं होगा। गवर्नमेंट परमिशन होते ही वो एक्ट अनरीजनेबल रहा ही नहीं, जैसे रेड लाइट है तो अब इन दैट केस अगर बाई चांस जाने की जगह ही नहीं मिली या रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो नहीं मिली तो नहीं मिली, वो दुख की बात है लेकिन उसमें केस नहीं हो सकता बेटा। ओके मैम अगर कोई सिंगर विल डू, आशीष विल डू देम सून, कार्तिके हेलो मैम, अगर कोई सिंगर उनका हर्षिता कॉन्सर्ट अरेंज करते हैं, लॉन्ग आवर्स तक म्यूजिक है, क्राउड भी नॉइज कर रहा है, हॉस्पिटल के पास है, यस तो जो ऑर्गेनाइजर्स है ना वो सी होते हैं, कॉन्सर्ट हुआ, मैरिज हुआ या कोई पार्टी हुआ तो जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं बेटा उनको सी किया जाता है। ओके नेग्लिजेंस एंड न्यूसेंस, नेग्लिजेंस का मतलब हुआ लापरवाही से काम करना, उसमें किसी और को फिजिकल डैमेज पहुंचता है, यू नो हैरेसमेंट या डैमेज पहुंचता है। न्यूसेंस में आप किसी के राइट में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, डैमेज इसमें भी पहुंच रहा है पर वो राइट में, जैसे तेज शोर हो रहा है इनटेंजिबल डैमेज है, शोर दिख थोड़ी रहा है, पोल्यूशन दिख नहीं रहा है, गंदी स्मेल दिख नहीं रही है पर ये बहुत हीट जनरेट हो गई है तो वो इनटेंजिबल, यू नो इनटेंजिबल इंटरफेरेंस है। ओके इन न्यूसेंस देयर इज इनटेंजिबल डिफरेंस। पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट होता है लोकेश, बट वो विथ परमिशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट परमिशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट परमिशन नहीं और आप सड़क रोक के बैठ गए तो वो पब्लिक न्यूसेंस में आएगा। ओके अगर गवर्नमेंट अनरीजनेबल एक्ट को रीजनेबल एक्ट कर दे, परमिशन दे, तो गवर्नमेंट पे केस हो सकता है क्या? नो रमेश, गवर्नमेंट करती है ना 10 बजे तक शोर करने का परमिशन है, निगम ने खुद दे रखा है तो अब इन दैट केस नहीं हो सकता। गवर्नमेंट अगर खुद ही परमिशन दे रही है, गवर्नमेंट खुद किसी रोड कोई एरिया को जो है प्रोटेस्ट के लिए अलाउ कर रही है तो फिर केस नहीं हो सकता, तो गवर्नमेंट परमिशन तो डिफेंस होती है और वो रीजनेबल हो जाता है काम उसकी वजह से। मैम हॉस्टल स्टूडेंट डिडंट शाउटेड कंटिन्यूअसली कर, मैं कह रही हूँ शिवानी अगर वो कंटिन्यूअसली शाउट करते हैं तो जैसे हाफ एन आवर और समथिंग लाइक दैट, देन इन दैट केस yes devesh I'll take the doubts of other things also in other class not in this class ma'am agar election ke time rally hai permission hai to in that case liable nahi hai beta sari rallies protest government permission ke baad hoti hai to agar permission hai to nuisance nahi hai without permission hai to nuisance hostel mein hota hai shivani okay nikita bata rahi hota hai and aap jaoge dekho law school mein jaoge to aap hostel mein jaoge to sab tarah ke bacche milenge hota hai मैम इफ समवन लेफ्ट द लेटर्स ऑन द रोड यस तो इन दैट केस जो छोड़ के गया वो लायबल होगा ना बेटा ठीक है व्हाट इज द प्रोसीजर टू सू समवन अंडर न्यूसेंस जैसे सारे सिविल लॉ में होता है अक्षत केस फाइल करो
कंसर्ट्स यूजुअली नीड परमिशन, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. अगर गवर्नमेंट अनुदीप, अगर गवर्नमेंट की परमिशन है तो न्यूसेंस नहीं है, गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है तो न्यूसेंस है. हाँ, लोकेश कार्तिक, एम्बुलेंस किसी भी कंडीशन में जा सकती है, तो अगर उनको साइड नहीं दी तो न्यूसेंस में आ जाएगा. इफ ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग ड्यू टू हजार्डस केमिकल, देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा किसका. जैसे आप सभी लैपटॉप यूज कर रहे हो, हीट जनरेट हो रही है, या कार यूज कर रहे हो, या एसी यूज कर रहे हो, तो एसी इंडिविजुअली नहीं आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा किसी केमिकल फैक्ट्री में बहुत ज्यादा अगर पोल्यूशन हो रहा है तो उसमें केस होगा, न्यूसेंस का केस फाइल होगा. पर अगर परमिटेड लिमिट के अंदर है तो उसमें लिमिट परमिटेड कितनी उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, तो मैम क्या गवर्नमेंट कुछ भी परमिशन दे सकती है न्यूज? हरकेश, यस दैट कैन हैपन. ट्रैफिक जैम, एवरीवन इज प्रेसिंग द हॉर्न ऑफ द कार, पर्सन सफर्ड अ हार्ट अटैक ड्यू टू हाई नॉइज. देखो ये इसको कहते हैं सेंसिटिव प्लेंटिव. ठीक है, सेंसिटिव प्लेंटिव का मतलब कौन हुआ? जिसको रीजनेबल काम से भी तकलीफ हो जाती है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू नो पीपल, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो है, आप और आपका पड़ोसी दोनों क्लैट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आप जो है आपके रूम की लाइट जो है पड़ोसी के घर को विजिबल है कि भाई ये देखिए बड़े बच्चे का कमरा है, क्लैट के लिए तैयारी कर रहा है, पढ़ता रहता है. अब आप रात को 3 बजे तक लाइट ऑन करते हो, या बाहर अपने घर के बाहर की तरफ जो एरिया है थोड़ा बहुत वहां पे बैठ के सारे दिन पढ़ते रहते हो, और पड़ोसी का भी बच्चा क्लैट की तैयारी कर रहा है. अब क्या होता है कि पड़ोसी का बच्चा जो है उसके पिताजी उसको सुबह, जैसे आप सुबह 5 बजे उठ के पढ़ने बैठ जाते हो 4 बजे, और पड़ोस वाले अंकल को भी समहाउ बाहर थोड़ा सा फ्रेश एयर के लिए बाहर आते हो, फिर उनको भी कहते हो अंकल मैं तो बैठ जाता हूँ पढ़ने और बहुत पढ़ाई करता हूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब उससे आपका जो नेबर है उसका सन की लाइफ तो खराब होगी, उसका राइट टू लिव पीसफुली डिस्टर्ब हो जाएगा. वो भी अपने पिताजी जो है वो भी अपने बच्चे को कहेंगे देख उसको देख उसकी कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, वो कितना अच्छा पढ़ रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर रूइनिंग योर लाइफ, समथिंग लाइक दैट. तो उसका राइट डिस्टर्ब हो रहा है, वो अपने घर में जीवन से लॉकडाउन होने के बावजूद घर में आराम से रह नहीं पा रहा है. तो कैन दैट पर्सन फाइल अ केस अगेंस्ट यू फॉर स्टडिंग टू मच, और इवन इफ यू आर एक्टिंग लाइक यू आर स्टडिंग टू मच, आप सच में पढ़ भी नहीं रहे हो, आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो, तो भी एक्टिंग लाइक यू आर स्टडिंग टू मच दैट इज नॉट एन अनरीजनेबल एक्ट. यू गेटिंग माई पॉइंट? अनरीजनेबल एक्ट होना चाहिए तो सिंपली बिकॉज अगले की कंडीशन सेंसिटिव है. आपने अपने घर में रोज प्लांट लगा रखे, बहुत सारे रोज प्लांट, और पड़ोसी को रोज प्लांट से एलर्जी है, तो अब वो एलर्जी है तो वो स्पेशल केस है. स्पेशल केसेस जो होते हैं उनको कंपनसेशन नहीं मिलता है. सेंसिटिव प्लेंटिफ अगर होता है तो उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा. ओके, तो इसीलिए अगर कोई भी पर्सन है जो कि काम रीजनेबल कर रहा है पर नेबर सेंसिटिव है इसलिए उसको डैमेज हो रहा है, नेबर को डैमेज हो रहा है, तो कुछ नहीं हो सकता. इफ यू आर डूइंग रीजनेबल एक्ट देन देयर कैन नॉट बी एनी केस ऑफ न्यूसेंस. क्लियर एवरीवन? ओके, शर्मा जी का लड़का जरूरी नहीं है शिवानी, कोई भी हो सकता है. भाई एम्बुलेंस किसी भी कंडीशन, ओके, सो इफ डॉक्टर डिड समथिंग रॉन्ग टू पेशेंट विल ही बी लायबल? यस प्रतीक, ही विल बी लायबल. विवेक, अगर ऑर्डर नहीं था तो न्यूसेंस का केस बनेगा, पीपल कैन बी सूड फॉर न्यूसेंस. हॉर्न ऑफ अ कार कंटिन्यूअसली, तो देखो कंटिन्यूअस करते हैं तो वो न्यूसेंस हो जाएगा. अगर रॉन्ग पार्क्ड है तो न्यूसेंस नहीं है, फिर तो वो रीजनेबल. रॉन्गली पार्क्ड कार के लिए कर रहे हैं तो फिर रीजनेबल है. और एनी वेज भी ये कि यार कार हॉर्न से अटैक आ गया तो ये तो सेंसिटिव प्लेंटिफ हुआ ना. बहुत तेज होना चाहिए, जैसे ट्रेमर्स आ रहे हैं, खिड़कियां हिल रही है, कांच हिल रहे हैं, दीवार में दरार आ रही है, इतना शोर हो रहा है, तो इट विल कम अंडर अनरीजनेबल. या बहुत तेज नॉइज है तो इट विल कम अंडर अनरीजनेबल. ओके, सो इन केस अगर कोई भी पर्सन जो है टेक्निकल इंडियन मैम, दैट मीन्स इट शुड अफेक्ट पीपल एट लार्ज. पब्लिक न्यूसेंस में इट शुड अफेक्ट पीपल एट लार्ज. इन प्राइवेट न्यूसेंस अगर उस पर्सन की जगह दूसरा कोई पर्सन होता तो उसको भी डैमेज होता, उसे कहते हैं अनरीजनेबल एक्ट. यानी कि पड़ोसी को रोज प्लांट से एलर्जी है पर बाकी नॉर्मली हर किसी को नहीं होती है, तो इन दैट ज्यादा लोगों को डैमेज होना जरूरी नहीं है, लेकिन यू नो दैट एक्ट शुड बी सच विच विल कॉज डैमेज टू अ नॉर्मल रीजनेबल पर्सन. Then in that case, that will come under, you know, nuisance, unreasonable act. Okay? So, sensitive plaintiff नहीं होना चाहिए. Act जो है, continuous होना चाहिए. Isolated act, एक आध बार तेज आवाज आई तो वो nuisance में नहीं आ सकता. Unless blast जैसी तेज आवाज आई और दीवारी गिर गई तो that will come under nuisance. Malice, malice से कोई फर्क नहीं पड़ता. Malice का मतलब होता है evil motive. जो अभी हमने discuss किया कि आप जानबूझ के जो है
पढ़ाई की एक्टिंग करते हो, और जिससे आपको पता है कि पड़ोसी की लाइफ खराब होने वाली है, बर्बाद हो रही है, उसको दुख हो रहा है, उसको मार पड़ रही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हॉस्टल में रह रहे हैं, और या आप अपने फ्रेंड के यहाँ गए और उसके पेरेंट्स को आपने बताया कि भी रिजल्ट क्या आ रहा है, पढ़ाई कैसी हो रही है, आपका दोस्त पढ़ता नहीं है, टाइम बर्बाद करता है, उसका ये अकाउंट है, वो अकाउंट है, सारी सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में आपने उसके पेरेंट्स को बता दिया. तो अब इन दैट केस इट्स नॉट अनरीजनेबल. ठीक है, सो लॉ के हिसाब से इट्स नॉट अनरीजनेबल, एंड दैट इज व्हाई इट विल नॉट अमाउंट टू एनी काइंड ऑफ न्यूसेंस. न्यूसेंस होने के लिए एक्ट अनरीजनेबल होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, और किसी और के राइट में इंटरफेरेंस होना चाहिए. जैसे वेजिटेरियन है और नॉन वेजिटेरियन है, पड़ोसी है. अब जो वेजिटेरियन है, आई कम टू, इफ माई डॉग बार्क्स अ लॉट कंटिन्यूसली कात्यायनी, देन इट इज न्यूसेंस. ओके, क्लैट की स्पेशली आपकी तैयारी डिस्टर्ब हो गई तो ये तो देखो आप सेंसिटिव प्लेंटिफ हो गए. जनरली तेज शोर कंटिन्यूस हो रहा है तो कोई पढ़ाई नहीं भी कर रहा है तो भी उसको डिस्टर्बेंस होगा ना. तेज शोर तो किसी को भी डिस्टर्बेंस होगा. तो कंटिन्यूस बार्किंग ऑफ डॉग है तो वो न्यूसेंस में आएगा, चाहे आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. अगर कोई एक्सीडेंट देख लेता है, उसको चक्कर आ जाए, तो वो सेंसिटिव प्लेंटिफ होगा. करेक्ट निकिता, नर्वस शॉक में भी तब होगा जब वो रिलेटिव हो, अदरवाइज तो नर्वस शॉक का भी कुछ नहीं मिलेगा कंपनसेशन. ओके, नाउ आप अगर किसी के राइट में इंटरफेरेंस करते हो, ठीक है, अगर किसी के भी राइट में इफ यू इंटरफेयर अनरीजनेबली, एंड व्हाट काइंड ऑफ राइट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, राइट टू लिव पीसफुली एक्सेट्रा. तो अब एक वेजिटेरियन है, एक नॉन वेजिटेरियन है, दोनों पड़ोसी है. नॉन वेज के यहाँ रोज जो है नॉन वेज खाना बन रहा है, सुबह शाम, मंगलवार क्या, शुक्रवार क्या, एनी एवरी डे. सो नाउ द वेजिटेरियन पर्सन वॉन्ट टू फाइल अ केस कि ये क्या तरीका है, सुबह शाम आप सारे दिन ये बनाते हो, तो उसके लिए कोई केस नहीं हो सकता, ये रीजनेबल काम है. लेकिन लेट अस से जो नॉन वेजिटेरियन है वो जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइव चिकन लेके आया, जिंदा चिकन उठा के लाया, या गोट लेके आया, या काउ लेके आया, और फिर वो पब्लिकली उसको जो है स्लॉटर कर रहा है कि देखिए अब इसको जो है पूरा धो दिया है, अब इसको काट दिया है, अब ये खून साफ करेंगे, फिर उसके बाद स्किन ऐसे निकालेंगे, पील करेंगे, वो पूरा ऐसा पब्लिकली कर रहा है. इसीलिए स्लॉटर हाउस के लिए अलग अलोकेशंस होती हैं जगहों की. पब्लिकली अगर आप ये चीज करोगे तो वो अनरीजनेबल एक्ट में आ जाएगा. तो नॉनवेज बन रहा है या कोई खा रहा है, ये कोई अनरीजनेबल एक्ट नहीं, पर पब्लिकली आप इस तरह का ग्रूसम एक्ट करोगे तो वो अनरीजनेबल एक्ट में आएगा और न्यूसेंस में आएगा. ओके, पर किसी का राइट भी डिस्टर्ब होना चाहिए. घर के अंदर कोई कर रहा है दैट इज नॉट एन इश्यू, पब्लिक विजुअलिटी में कोई ऐसा कर रहा है तो वो न्यूसेंस में आ जाएगा, वो अनरीजनेबल एक्ट में आ जाएगा. ओके, व्हाटएवर, राइट? सो यू गॉट द पॉइंट. पॉइंट इज अनरीजनेबल एक्ट होना चाहिए. ओके, ओनली देन. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है, जैसे आपके घर वाले जो है आपको कहें कि भाई आप नहा लो, और आप नहाते नहीं हो, हफ्ते हफ्ते भर तक, 15-15 दिन तक कोई नहाने का काम ही नहीं चल रहा है, जिससे कि आसपास पूरे घर वालों को स्मेल की वजह से या अनहाइजीनिक सिचुएशन की वजह से बड़ी तकलीफ हो रही है, तो दे कैन सू यू फॉर न्यूसेंस ऑल्सो. लेकिन पड़ोसी इस बात के लिए केस फाइल करना चाह रहा है तो दैट पर्सन विल नॉट सक्सीड, प्रोवाइडेड कि इस तरह की अनहाइजीनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है. तो अब कुछ लोग हैं जो पूरे डीओ के डब्बे खाली कर लेते हैं इस चक्कर में, तो ठीक है, फिर उस केस में कुछ नहीं होगा, राइट? लेकिन एक्सेस डीओ है, उसकी स्मेल से सफोकेशन हो रहा है, तो दैट विल अमाउंट टू अनरीजनेबल ऑल्सो. तो अनरीजनेबल एक्ट वो होता है जो एक्सेस में किया जाए. कोई भी काम अगर कोई एक्सेस में किया जाए, then in that case that will come under the category of unreasonable act and nuisance. Okay, whosoever, it's okay, people don't blame each other for those examples, but you got my point. It has to be an excess and unreasonable act. Okay, then it will come under nuisance. Okay everyone, to jaise for example agar aapke parents jo hain aapke social media account mein reply karne lag jaye, comment karne lag jaye kisi dusre account se aapke account mein jud ke, और उससे आपको एम्बैरेसिंग लग रहा है कि ये क्या है भाई, मम्मी आके उसमें बता रही है कि ऑनलाइन हट जाए, और जैसे आप लाइव जा रहे हो और वहाँ पे मम्मी का मैसेज आ रहा है कि आके चुपचाप खाना खा ले, तो अब आपको हो सकता है पब्लिक को बड़ा इंसल्टिंग फील हो रहा हो, बट ये अनरीजनेबल में नहीं आएगा. अनरीजनेबल एक्ट होना चाहिए विच डिस्टर्ब समवंस राइट. जैसे क्लास में आप लोग बात करते हैं, तो अब आपके पास में जो बैठा, जैसे कोई कोई दोस्त होता है जो नया नया बार बार हर हफ्ते पढ़ाई करने की कोशिश शुरू करता है, जैसे आई बिलीव आप सब बहुत पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, खूब सेलेक्ट हो जाएंगे, पर यू नो जब ग्रुप में फ्रेंड्स वगैरह मिलते हैं तो एक ग्रुप का दोस्त होता है पढ़ने की कोशिश करता है, तो बाकी चार कहेंगे अच्छा बहुत ज्यादा पढ़ाई आ रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब उस चक्कर में क्या है कि दो लोग बैठे हैं या तीन लोग बैठे हैं बेंच पे,
और दो लोगों की बात की वजह से जो पढ़ने की कोशिश कर रहा है उसको डिस्टरबेंस हो रहा है, तो उसका राइट है क्लास में टू बी एबल टू स्टडी. आप जब बात कर रहे हो तो इन दैट केस हिज राइट इज गेटिंग डिस्टर्ब, सो द पर्सन कैन फाइल अ केस अगेंस्ट यू. सो इवन द टीचर कैन फाइल अ केस अगेंस्ट यू फॉर डिस्टर्बिंग, एंड इवन द स्टूडेंट, अदर स्टूडेंट हु वांट टू स्टडी, हुज राइट हैज बीन डिस्टर्ब्ड, कैन फाइल अ केस फॉर न्यूसेंस. लेकिन फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कोई स्टूडेंट है जिसकी वजह से जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है जो क्लास में बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहा है, तो उसकी वजह से आपको लग रहा है कि यार प्लीज क्लास का फ्लो नहीं बन रहा है, ये बार बार सवाल पूछ रहा है, तो इज दैट अनरीजनेबल एक्ट? वो क्लास के कॉन्टेक्स्ट में बात करना अनरीजनेबल एक्ट है, क्लास के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछना अनरीजनेबल एक्ट नहीं, राइट? तो अनरीजनेबल एक्ट डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है. जैसे अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो सर्टेन लिमिट का पोल्यूशन जो है अनरीजनेबल में नहीं आएगा, लेकिन अगर रेजिडेंशियल लोकैलिटी है तो वही अमाउंट ऑफ पोल्यूशन अनरीजनेबल हो जाएगा. निकिता न्यूसेंस कर रही है. निकिता और हुसो एवर पीपल आर डूइंग इट, डोंट डू द न्यूसेंस, राइट? यू कैन बी स्यूड एनीवेज. चाकू या गन दो क्या, अच्छे से लड़ो. लोकेश प्लीज, ओके एवरीवन प्लीज सेटल डाउन. व्हाट इज दिस? इट्स ओके एवरीवन, प्लीज स्टडी, पढ़ लो, ठीक है? सो एनीवेज, सो दिस इज व्हाट न्यूसेंस रिलेट्स टू. लुक, नॉट ओनली न्यूसेंस, लॉ के जितने भी टॉपिक आप पढ़ते हो ना बेटा, रियल लाइफ सिचुएशन में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है जिसपे आराम से लॉ अप्लाई हो सकता है. प्रैक्टिकली लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, या कौन कोर्ट के चक्कर लगाएगा, इस चक्कर में लोग जाते नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि लॉ वायलेट नहीं हो रहा है, लॉ इज स्टिल गेटिंग वायलेटेड. ओके, सो दोज आर केसेस ऑफ न्यूसेंस. ओके एवरीवन, सो दैट इज, अब न्यूसेंस के केस में राइट में डिस्टर्बेंस होना भी जरूरी है. राइट में डिस, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल तीन दोस्त बैठे हैं और दो जो है कंटिन्यूसली डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक जो है उस दिन पढ़ नहीं रहा है, वो खुद ही हेड डाउन करके बैठा है, वो पढ़ाई कर ही नहीं रहा है, फिर वो केस फाइल करे बाकी दो के खिलाफ कि अगर मैं पढ़ रहा होता तो मुझे डिस्टर्बेंस होता, इसलिए यू यू हैव टू पे कंपनसेशन टू मी फॉर न्यूसेंस, दैट्स नॉट वैलिड. ओके, सो अगर कोई भी पर्सन ऐसा कोई काम करता है जिसमें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सामने कोई भी आपके घर के सामने मैरिज गार्डन है और आप घर में हो ही नहीं और फिर तेज गाने बजे, फिर आप बाद में आए, दो दिन बाद आप आए और आप कहो कि भाई मैं अगर घर में होता तो मुझे डिस्टर्बेंस होता, इसलिए न्यूसेंस का केस होगा, तो दैट्स गैस लीकेज हो गया किसी कॉलोनी में और एक पर्टिकुलर पर्सन उस कॉलोनी में था ही नहीं, वो बाद में आके स्यू करे कि अगर मैं होता तो मुझे न्यूसेंस होता, तो ऐसा नहीं चलेगा. डैमेज होना चाहिए, डैमेज का मतलब डिस्टर्बेंस होना चाहिए. राइट टू लिव पीसफुली, हेल्दीली, हाइजेनिकली, विदाउट नॉइज, ये सबका लीगल राइट है. अगर ये राइट वहां पे रह रहे हैं और फिर डिस्टर्बेंस होता है, देन इन दैट केस केस फाइल होगा. मैम स्कूल के न्यूसेंस में कोर्ट जा सकते हैं? यस, अगर न्यूसेंस हो रहा है तो यू कैन फाइल अ केस. व्हाट काइंड ऑफ न्यूसेंस आई डोंट नो यू आर टॉकिंग अबाउट. आप जनरली पूछ रहे हो तो न्यूसेंस कोई भी जा सकता है, यस. ओके, सो डैमेज होना जरूरी है. जब तक डैमेज सफर नहीं होगा तब तक न्यूसेंस का केस नहीं बनेगा. अब न्यूसेंस के केस में क्या होता है बेटा, देयर आर डिफेंसेस. फर्स्ट विल डिस्कस इफेक्चुअल डिफेंसेस. इफेक्चुअल का डिफेंसेस का मतलब ये डिफेंसेस एक्चुअली आपके एग्जाम में आए तो काम आ सकते हैं, ये प्रिंसिपल में गिवन होने चाहिए. प्लीज याद रख लिए रख लीजिए कि लॉ में अब जो आपका पेपर आता है उसमें जब तक सारी चीजें क्लियरली मेंशन नहीं हो आप उनको अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है? तो ये भी लिखा हुआ होना चाहिए क्लियरली. तो पहला डिफेंस तो हो गया स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. व्हाट इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी? गवर्नमेंट अथॉरिटी. अगर लीगल अथॉरिटी है किसी भी एक्ट को करने के लिए तो वो डिफेंस मिलेगा, इट विल कम अंडर द डिफेंस. हर्ष द्विवेदी, मैम वी हैव टू गिव योर रिमेनिंग बोर्ड एग्जाम इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक, सो वी कैन वी फाइल अ केस अगेंस्ट सीबीएसई? नो, कंडक्टिंग एग्जाम ड्यूरिंग हाइट्स ऑफ पेंडेमिक तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना बेटा, क्योंकि आपको लग सकता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा डरते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अभी भी बिना मास्क आराम से घूमते, कुछ नहीं होता यार, और जो लिखा होता है मरने से कौन डरता है टाइप्स जो लोग होते हैं, अब वो अभी भी नहीं डर रहे हैं और कुछ बहुत ज्यादा डर रहे हैं, तो वेदर इट विल अमाउंट टू रीजनेबल और अनरीजनेबल डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन. तो गवर्नमेंट का इसमें बड़ा रोल है. अगर गवर्नमेंट किसी चीज को वैलिड कर देती है, अलाउ कर देती है, तो वो एक तरीके से रीजनेबल मान ली जाती है. ओके, तो सीबीएसई अगर करेगी तो इट विल नॉट कम अंडर एनी अनरीजनेबल एक्ट. सो इट विल कम अंडर रीजनेबल एक्ट अंटिल अनलेस, मतलब कोई कोविड पॉजिटिव है
और फिर वो आपके पास बैठ के एग्जाम दे रहा है और आपको कहा जा रहा है नहीं यहीं बैठ के देना पड़ेगा, तो यस इट्स स्टिल यू कैन फाइल अ केस, बट आई बिलीव दे विल फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स एंड एवरीथिंग। ओके, मेजर या माइनर का कोई डिफरेंस हो सकता है? संजय नो। वैष्णवी व्हाट शुड आई रिपीट बेटा? मैम प्लीज रिपीट। रेलवे लाइंस जो है ना ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है बेटा, यस। अगर आपका घर के पास में रेलवे लाइन बच गई और बहुत शोर हो रहा है, या एयरपोर्ट पास में है उससे प्लेन्स आते जाते हैं तब शोर हो रहा है, या गवर्नमेंट ने कचरे का डब्बा लगा दिया जिससे आपको लग रहा है कि यार घर के सामने क्यों लगाया, अब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं तो रखेगी गली में, तो अब वो आपके घर के सामने होंगे आपको स्मेल आती है एक्सेट्रा, तो यू कैन नॉट फाइल अ केस। वो किस में आ जाएगा? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो वो न्यूसेंस में नहीं आएगा। क्लियर एवरीवन? तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इज वन डिफेंस। Gonna give some class leaves during our board exams, Avisha? I don't think so. Maybe yes, one or two. अगर एक दो पेपर है तो हो सकता है मिल जाए छुट्टी आपको. Nuisance? Okay. Then ma'am, आपकी daily online class start होने से मेरी मम्मी मुझे daily phone देना पर पढ़ने का force करती है, जबकि मैं daily सब 8 से 11 बजे पढ़ती हूँ और उसके बाद online class से nuisance होता है. हाँ तो आपका phone पे है ना भाई, unreasonable. आपको कोई कहे कि यार बहुत ज़्यादा पढ़ने को बोल रहे हैं तो वो न्यूसेंस में आएगा क्या? तो नहीं आएगा. बहुत ज्यादा घर वाले कह रहे हैं कि पढ़ाई करो, मैनर सारे दिन तुमको मैनर सिखाते रहते हैं, तो ये न्यूसेंस में नहीं आएगा, ये रीजनेबल में आएगा. ओके, करंट पैटर्न पे भी बना रहे हैं बेटा, वी आर मेकिंग वीडियोस ऑन बोथ. ओके, सो यस विवेक, खतरनाक एग्जाम्पल है पर अब इसको हटाना पड़ेगा. इवन यूट्यूब इज टेलिंग दिस इज अ मैसेज सब्जेक्ट टू रिव्यू. एनीवेज, सो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हो गया. देन नेक्स्ट डिफेंस इज There is something called as, I doubt that ये आपके paragraph में आएगा, but simple चीज़ है तो आप समझ लीजिए. Statutory authority का तो आ सकता है. देखो आपके क्लाइंट में ये सारे टॉपिक से रिलेटेड बहुत बेसिक ईजी लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, तो अभी के लिए आप सिर्फ यही डिफेंस समझो कि स्टैचुटरी अथॉरिटी तो बहुत है, राइट? अगर गवर्नमेंट परमिशन मिलती है उसकी वजह से आप न्यूसेंस करते हो तो इन दैट केस वो न्यूसेंस में नहीं आएगा, वो एक्ट रीजनेबल हो जाएगा. ओके, दिस एक्ट विल बिकम रीजनेबल. Yes, Avisha, I think probably we will give some leaves. Lag at the time, that's why ma'am, I don't know. Okay, Vaishnavi, hum baad mein discuss karenge aapki dikkat ko, personal dikkat ko. Baki to you have to, if someone keeps on telling you to study, then yes, you have to study. Okay, now ineffectual defenses. Or even if you don't study, it will not come under unreasonable act. It's their house, right? So if they keep on instructing everyone what to do, what not to do, that is not unreasonable act. Okay? चाइना सोल्जर जो लेसी पे एक्टिविटीज कर रहे नहीं, अगर वो अपनी बाउंड्री के अंदर कर रहे हैं तो इट्स नॉट न्यूसेंस, और हमारी बाउंड्री में आ रहे हैं तो वो अनरीजनेबल एक्ट हो जाएगा, वो तो एनीवे ट्रेसपास में आ जाएगा. देखो न्यूसेंस में खास बात क्या होती है, इनटेंजिबल होता है, यानी कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, जैसे कोई आपके घर के बाहर खड़े होकर पिक्चर्स ले रहा है आपकी, तो ये अनरीजनेबल एक्ट है जिससे कि आपको इनटेंजिबल इनसिक्योरिटी हो रही है. इनटेंजिबल मतलब वो फिजिकली कुछ नहीं, कोई घर में ही आ गया, पीछे पीछे आ गया, तो उसको हम ट्रेसपास कहते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम ट्रेसपास डिस्कस करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रेसपास. दिस इज न्यूसेंस. ओके, इफ देयर इज रैगिंग इन कॉलेज, रैगिंग हो रही है तो वो तो बेटा असॉल्ट बैटरी में आएगा, किसी को डैमेज कॉज करना, दैट इज असॉल्ट बैटरी. ठीक है, वो न्यूसेंस में नहीं है. हरकेश, पेरेंट्स कुछ करे तो न्यूसेंस है क्या? कुछ करे तो क्या, खाना बनाए तो न्यूसेंस है क्या, बात कर रहे हैं आपस में तो न्यूसेंस, अनरीजनेबल कुछ करें तो अनरीजनेबल एक्ट हो रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स ने घर में जो है स्पीकर्स लगा दिए हैं आपको उठाने के लिए, उठ जाओ अब ये पढ़ो, जैसे आप इधर उधर हो पढ़ते रहो जोर से स्पीकर बजता है, तो वो तो अनरीजनेबल एक्ट. ठीक है मैम. विवेक, ओके, व्हाट वाज द डाउट ऑफ विवेक? आई एम नॉट श्योर. मैम व्हेन विल आवर क्लासरूम क्लासेस स्टार्ट? जैसे ही परमिशन होती है विल स्टार्ट देम. मैम अगर रोड पर लेडर्स गिर जाए और उसको उठाने में 1 घंटा लग जाए, बेटा लेडर्स जिसने गिराई है उसके खिलाफ न्यूसेंस का केस होगा, बिना किसी के गलती के गिर गई तो फिर कोई लायबल नहीं होगा, अदरवाइज जो भी पर्सन को रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए था उसको लायबल. 1 आवर भी है तो न्यूसेंस होगा. ओके, आई विल कम टू इट लेटर. अंकिता, आई एम नॉट श्योर व्हाट आर यू आस्किंग, लेट मी कंप्लीट दिस टॉपिक. बहुत छोटा सा पार्ट बाकी है तो फिर आई विल टेक द डाउट्स एट द एंड. इनइफेक्चुअल डिफेंसेस कौन से हैं? जो डिफेंसेस कोई काम के नहीं है, ऑल्दो ये भी एग्जाम में लिखे हुए आएंगे, पर देखो एग्जाम में ये कहना, एग्जाम में ये कहना कि न्यूसेंस, सॉरी एग्जाम में प्रिंसिपल में लिखा हुआ आएगा
हमने न्यूसेंस किया क्योंकि दूसरे भी ऐसा करते। तो एक्स के घर के आगे किसी ने गाड़ी पार्क करी, वो हटा के ले गया, ए ने पार्क की, ए ने हटाई तो बी ने पार्क कर दी, बी ने हटाई तो सी ने पार्क कर दी। अब सी कह रहा है मुझसे पहले ए और बी ने पार्क करी, तो पहले उनको स्यू करो फिर मुझे स्यू करो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कॉलोनी में होता है ना, एक जगह लोग फिक्स कर देते हैं, वहां कचरा डालना शुरू कर देते हैं, गवर्नमेंट ने नहीं भी कोई डब्बा वब्बा नहीं लगाया, ऐसे ही डालना शुरू कर रहे हैं, और फिर एक ने डाला, फिर दूसरे ने भी डाला, फिर चार ने भी डाला, फोर्थ ने भी डाला। अब जो जिसको न्यूसेंस हो रहा है, जिसके यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है, वो पर्सन केस फाइल करेगा। अब वो पर्सन लेटर से सीधा फोर्थ पर्सन को स्यू करता है, तो फोर्थ पर्सन ये डिफेंस कभी भी नहीं ले सकता कि पहले तो ए बी सी को स्यू करो फिर मुझे स्यू करो। That cannot be a valid defense. Saying that others are also to be sued for nuisance, that is not a valid defense. Okay, दूसरों को sue करे नहीं करे, पर जो nuisance कर रहा है उसको तो sue करेंगे। It is similar to unreasonable act. We'll come to that. Akshat, it is similar to unreasonable act. Okay? Ma'am, I don't know why, but video के नीचे super 2020 लिखा आ रहा है, मुझे भी idea नहीं है, Lokesh, we'll see later, I'll see and change it. Ma'am, मेजर और माइनर की पनिशमेंट में क्या डिफरेंस होगा? कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो कंपनसेशन दोनों को देना पड़ेगा। संजय हरकेश, बहुत पढ़ने को कहे तो न्यूसेंस है क्या? नहीं, अभी आपकी उम्र है बहुत पढ़ने की, राइट? यू पीपल आर यंग एंड एनर्जेटिक एंड फिल्ड विद लाइफ एंड गोल एंड एवरीथिंग, राइट? आई होप सो। सो यस, देयर इज़न्ट एनी प्रॉब्लम। ओके एवरीवन, सो लेट्स कंटिन्यू। सो दैट इज फर्स्ट, अगर कोई कहे कि दूसरा न्यूसेंस कर रहा है इसलिए मैं भी करूंगा, ये डिफेंस नहीं है। ये कहना कि पब्लिक गुड, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कहें कि भाई हम तो हवन कर रहे हैं और पाठ कर रहे हैं माइक पे ताकि सबको सुनाई दे और सबका भला हो, हम नमाज पढ़ रहे हैं स्पीकर पे ताकि सबको सुनाई दे सबका भला हो, तो ये कोई वैलिड डिफेंस नहीं है। सबका भला होगा इसलिए हम न्यूसेंस करेंगे, दैट्स नॉट अ वैलिड डिफेंस। ठीक है, सबका भला होगा इसलिए हम बिना परमिशन प्रोटेस्ट पे बैठ जाएंगे, सड़क रोक लेंगे, दैट्स नॉट अ वैलिड डिफेंस। पब्लिक गुड इज नॉट अ वैलिड डिफेंस इफ द एक्ट इज अनरीजनेबल। ओके, सिमिलरली ये कहना कि रीजनेबल केयर हो गई, अपनी तरफ से पूरा ध्यान रख लिया है, इतना न्यूसेंस तो होगा, इससे कम तो हम न्यूसेंस कर नहीं सकते कि भाई पार्टी शादी है तो इतना तो गाना बजाएंगे, शादी है तो सड़क पे तो बारात निकालेंगे, सड़क बीच में रोकेंगे ही रोकेंगे, या थोड़ा तो ऐसा एपिडेमिक का पेंडेमिक का टाइम है तो थोड़ा तो पूजा पाठ या नमाज करनी चाहिए तो स्पीकर पे बोलेंगे। तो रीजनेबल केयर, पॉसिबली जितना कम वो न्यूसेंस कर सकते थे कर दिया, फिर भी तेज है तो न्यूसेंस का केस होगा, द पर्सन विल बी लायबल। जैसे गली के सब लोग कहें कि और कचरा डालेगा, यही खाली प्लॉट है इसलिए यही पे कचरा डालेंगे, तो दैट्स नॉट वैलिड, इट विल अमाउंट टू न्यूसेंस। ओके, और प्लेंटिफ कमिंग टू न्यूसेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल गली के सब लोग एक खाली प्लॉट में कचरा डालते हैं, अब वो प्लॉट किसी ने खरीद लिया, अब वो वहां पे मकान बना रहा है, तो अब वो प्लॉट तो बचा नहीं खाली, तो लोग उसके घर के सामने कचरा डालना शुरू कर देते हैं, और वो लोग ये कहें कि भाई इस गली की तो यही जगह है कचरा डालने की, आपने यहाँ पे मकान क्यों खरीदा, तो आप न्यूसेंस के पास रहने क्यों आए, आपने न्यूसेंस का कंसेंट दे दिया, आपने मैरिज गार्डन के पास मकान खरीदा, वहां तेज गाने बजते हैं, परमिशन जितनी परमिटेड लिमिट है उसके बाद भी तेज गाने बजते हैं, और फिर पर्सन कहे कि यार आपने क्यों मैरिज गार्डन के पास मकान लिया, ऑफ कोर्स यहाँ पे तो तेज गाने बजेंगे, आपने कंसेंट दे दिया न्यूसेंस को, तो ये वैलिड डिफेंस नहीं है। ये कहना कि प्लेंटिफ न्यूसेंस के पास रहने क्यों आया, ये कहना कि पब्लिक गुड हो रहा है, ये कहना कि दूसरे भी तो न्यूसेंस कर रहे हैं, और ये कहना कि पूरा ध्यान रख लिया कुछ हो ही नहीं सकता अब तो न्यूसेंस करना ही पड़ेगा, दीज आर नॉट वैलिड डिफेंसेस। ओके, दे डू नॉट कम अंडर वैलिड डिफेंस। वैलिड डिफेंस वही है, दैट इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। फॉर नाउ आपके लिए इतना बहुत है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो वो वैलिड डिफेंस है। ओके एवरीवन, सो दैट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूसेंस। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ यू नो ट्रेसपास। एनीवन एनी डाउट रिलेटेड टू और मलिशियस प्रोसिक्यूशन, ऑल्सो मलिशियस प्रोसिक्यूशन तो 5 मिनट का ही टॉपिक है, पर नेक्स्ट क्लास में करेंगे बिकॉज आई हैव another class after this. So anyone any doubt? Yes Ramesh, that America mein jo abhi property jo damage ki ja rahi hai to of course nuisance bhi hai, trespass bhi hai. Then yes Rajendra, that will come under nuisance, but practical life mein dekho defense milta hai, aur defense mein agar government permission hai
कि आप ये कर सकते हैं, तो वो डिफेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में भी डिफेंस लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। मस्जिद में अगर या टेम्पल में या शादी में इसलिए बज रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की परमिशन है, तो फिर केस नहीं हो सकता। गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है फिर भी लाउड स्पीकर बज रहे हैं तो केस फाइल होगा। यस अल्केश, व्हाट इज द डाउट? डिफेमेशन का क्या डाउट है मैम? अगर या मैम अगर पैसेज में ट्रुथ के लिए एक्सेप्शन नहीं दिया हो लेकिन क्वेश्चन में ट्रुथ दिया हो, ए इज अ थीफ, मेंशन द इज द थीफ, देन इज इट डिफेमेशन और नॉट? अगर ट्रुथ का एक्सेप्शन नहीं दिया है तो डिफेमेशन होगा। क्यों डिफेमेशन होगा? क्योंकि प्रिंसिपल क्या है, एनी स्टेटमेंट विल विच विल इंजर द रेप्यूटेशन ऑफ अ पर्सन इन द आईज ऑफ राइट माइंडेड पीपल। सो अगर मैं किसी को चोर कहूँ, इज दैट अ स्टेटमेंट विच विल इंजर द रेप्यूटेशन? यस, सो इट इज डिफेमेशन। तो ट्रुथ का डिफेंस आना चाहिए। रिया, द डिफेंस शुड बी सेपरेटली गिवन। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, निकिता, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट परमिशन। अगर गवर्नमेंट परमिशन देती है, जैसे आज अभी जो है गवर्नमेंट 10 बजे तक तेज गाने या तेज शोर की परमिशन देती है मैरिजेस वगैरह में, तो अब वो गवर्नमेंट परमिशन है इसलिए। या प्रोटेस्ट या मार्च निकालनी है तो गवर्नमेंट की परमिशन होती है कि इस रोड से मार्च की परमिशन मिल रही है, राइट? तो गवर्नमेंट परमिशन अगर होती है तो केस नहीं होगा न्यूसेंस का। नंदनी, टेल समथिंग फॉर इंक्रीजिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। आई विल टेल इट इन अ व्हाइल। आपके 12 और 10 वाले क्लास यूट्यूब पर लॉ प्रेप में, बेटा LMS में, अंकिता अगर आप LMS में एनरोल्ड स्टूडेंट हो तो जो 999 वाला नंबर है ऑफिस का, उस पर कॉल करके पता करो क्लास का है। क्लासेस तो LMS पे भी है और कुछ यूट्यूब पे भी है। नेक्स्ट क्लास तो 3 बजे है मैम, थोड़ा सा नहीं, आई हैव अ क्लास एट 12:30 लोकेश, यू डोंट नो, ओके? सो यू थिंक यू नो बट इट डजंट। निक्षित, 3 बजे क्लास है, 2021 वालों की क्लास है, ये कोई डाउट्स नहीं होगी। Everyone, प्लीज स्टॉप दीज थिंग्स, ओके एवरीवन? सो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए समवन हैड आस्क्ड, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सिंपल है बेटा। आपको देखो डेली आपका टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि आप एक फिक्स टाइम रखो मॉर्निंग का क्लासेस के लिए, आफ्टरनून का रीडिंग के लिए, फिर इवनिंग का प्रैक्टिस के लिए, या आफ्टरनून का प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो, फिर रीडिंग एंड देन रिवाइजिंग। तो 4 पार्ट्स में आप अपना टाइम टेबल डिवाइड करके रखो, वीडियोस, रीडिंग, प्रैक्टिस, रिवाइज, ओके? दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट कंटिन्यूअसली। एक ही सब्जेक्ट के 3-4 मॉक्स, एक जैसे 4 मॉक्स आप दे चुके हो तो 4 मॉक्स की सिर्फ लीगल सॉल्व करो, 4 मॉक्स की सिर्फ CR एक साथ सॉल्व करो, तो यू विल फील यू नो कॉन्फिडेंट अबाउट दोज सब्जेक्ट्स, यू विल रियलाइज कि यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस। सो डू दैट, ओके एवरीवन? अंकिता, नंबर इज 7665944999। वैसे वेबसाइट पे मिल जाएगी बेटा, वेबसाइट पे है नंबर। लोकेश, आपकी होगी बेटा, अलग अलग क्लासेस के अलग अलग टाइम पे क्लास रखेंगे, ओके एवरीवन? सो कीप स्टडिंग, मोटिवेटेड रहो। NLU बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी लाइफ होती है वहां पे, तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ गुड थिंग्स देयर, सो प्रिपेयर फॉर दैट। Hopefully you'll all get through and then you know we'll celebrate or party. We do good party. इस बार नहीं हो पाई, let us say आगे permission मिले तो, once you get through, okay everyone? So that's it for today's class. What Bhumi, what do you want to know? CR में नहीं होते, इसीलिए मैं कह रही हूँ बेटा 3-4 mock की CR एक साथ फील। देखो CR है या legal है या reasoning वाले topics होते हैं, उनमें issue क्या रहता है, confidence का। आप लगातार जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको थोड़ा रियलाइज होता है कि हाँ ठीक है थोड़े डाउट्स हैं लेकिन कुछ तो आप सॉल्व भी कर पा रहे हो। सो सॉल्व दोस क्वेश्चंस टुगेदर, ओके भूमि? सो आई बिलीव दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग। ट्विंकल थैंक्स, ओके एवरीवन? नीम्स आर एग्जाम्स ड्यू टू कोरोना, इफ वी गो टू कोर्ट विल इट कम अंडर न्यूसेंस? नो, राइट माइंडेड पर्सन साक्षी वो होते हैं जो लॉ को लॉ के हिसाब से सोचते हैं, ठीक है? सोसाइटी एट लार्ज या रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे। लॉ जिसे सही मानता है उसे वो भी सही मानते हैं, लॉ जिसे गलत मानता है उसे वो भी गलत मानते हैं। दैट इज राइट माइंडेड पीपल, ओके? दिनेश, CR लीगल, देखो आई हैव अ क्लास इन अ व्हाइल सो आई हैव टू स्टॉप दिस क्लास, विल डिस्कस फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास। एक क्लास ऐसे ही सिर्फ इस तरह की बातों के लिए रखेंगे जहाँ पे कि आप कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, या सिर्फ बातें करनी है फॉर द सेक ऑफ इट, फॉर दैट विल कीप अ सेपरेट क्लास। प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल विच यू हैव, टेल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू सब्सक्राइब एज वेल, ओके? सो दैट्स इट विद रिगार्ड्स टू टुडेज क्लास एवरीवन, ओके बाय।
and study. Yes.